नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता कानून और एनआरसी पर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। नागरिकता कानून और एनआरसी की तरह गैर बीजेपी शासित प्रदेश इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसमें बंगाल, राजस्थान और केरल मुख्य रूप से शामिल हैं। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध के साथ साथ एनपीआर का विरोध भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल और अब केरल की सरकार ने भी राज्य में एनपीआर की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का फैसला ले लिया है। हालांकि नागरिकता कानून के बाद अब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने कहा कि असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों सभी में एनपीआर पर काम शुरू हो चुका है। प्रदर्शनों के दौरान सीए और एनआरसी के कंफ्यूजन ने उग्र प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम किया था। अब एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम नहीं चाहते कि आप एनपीआर और एनआरसी में कंफ्यूज हों। बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में सिर्फ एक शब्द का नहीं बल्कि काफी अंतर है। एनआरसी के पीछे जहां देश में अवैध नागरिकों की पहचान का मकसद छुपा है, तो वहीं 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को एनपीआर में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराना जरूरी होगा। लेकिन इसके बाद भी मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि एनपीआर क्या है, इसके आने से जनगणना में क्या बदल जाएगा, सरकार एनपीआर क्यों लाना चाहती है। तो आइए एक एक करके हर सवाल के जवाब को आपको समझाते हैं। एनपीआर क्या है और इसके तहत कैसे काम किया जाएगा की बात करें तो इसके तहत हर भारतीय नागरिक का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनकी वंशावली भी दर्ज की जाएगी। वैसे जो व्यक्ति 6 महीने या उससे ज्यादा समय से किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एनपीआर को सरकार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला उपजिला, पांच जिला उपजिला व स्थानीय स्तर पर तैयार करेगी। एनपीआर 3 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाने का काम करेंगे। दूसरा चरण 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक का होगा। इसके बाद तीसरा चरण होगा जिसमें जुटाए गए आंकड़ों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि एनपीआर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो इससे हर निवासी की पहचान का आंकड़ा तैयार किया जाएगा। साथ ही इसके जरिए हर भारतीय निवासी का बायोमेट्रिक भी दर्ज होगा और बाहरी व्यक्ति भी अगर देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में दर्ज किया जाएगा। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एनपीआर के लिए आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। व्यक्ति का नाम, घर के मुखिया से रिश्ता, पिता का नाम, माँ का नाम, पति या पत्नी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, शादी हुई है या नहीं, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता जो घोषित किया हो, वर्तमान पता जहाँ रह रहे हो, वर्तमान पते पर निवास का समय, स्थायी आवासीय पता, पेशा, शैक्षणिक योग्यता। आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए आखिरी बार साल 2010 में आंकड़े जुटाए गए थे, जब 2011 के लिए जनगणना की जा रही थी। इन आंकड़ों को फिर साल 2015 में अपडेट किया गया और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2021 जनगणना के दौरान असम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन आंकड़ों को फिर से अपडेट किया जाएगा। यानी कि सरकार ने एनआरसी आगे चलकर एनपीआर के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 3,941 करोड़ रुपए की मांग भी की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।